पर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके के चलते धरती डोल उठी। एक बार फिर से महसूस किए गए भूकंप के झटके। जो यहां सुबह 5:17 पर 3.2 रही भूकंप की तीव्रता, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 आंकी गई, तो वहीं कांगड़ा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 2.8 कांगड़ा में भूकंप की तीव्रता रही। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने यह जानकारी साझा की है। हालांकि किसी भी तरीके के नुकसान की फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है एट दैट पॉइंट, लेकिन अगर कुछ भी जानकारी मिलती है तो आपके सामने उसे रख दिया जाएगा। 2.8 वही कांगड़ा में भूकंप की तीव्रता, ऐसे में राष्ट्रीय विज्ञान भूकंप केंद्र की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा में महसूस किए गए और धर्मशाला के आसपास भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 5:17 के आसपास ये भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए थे। हालांकि किसी तरह के कोई नुकसान की खबर फिलहाल नहीं मिल पाई। सुबह 5:17 पर आया था भूकंप, 3.2 रही थी इसकी रफ्तार, और ऐसे में धर्मशाला के आसपास से भूकंप आया था जिसकी रफ्तार 3.2 रही। ऐसे कांगड़ा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसकी जो रिक्टर स्केल पर तीव्रता है वो 2.8 रही। हालांकि 3 के आसपास इनकी रफ्तार रही है, इनकी तीव्रता रही है रिक्टर पैमाने पर अब, लेकिन इनसे किसी तरह के कोई नुकसान की कोई खबर नहीं है, ये गनीमत की बात है। ऐसे में भूकंप की जो घटनाएं हैं, भूकंप आने की जो बातें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, लगातार ये घटनाएं सामने आती हैं। हिमाचल प्रदेश से बात कर ली जाए, उत्तर भारत से बात कर ली जाए, देश भर के अलग अलग हिस्सों से ये घटनाएं सामने आती हैं कि वहां भूकंप आया है, फिर यहां पर भूकंप आया। ऐसे में हिमाचल प्रदेश से इस कड़ी में खबर सामने आई है कि 3.2 भूकंप की तीव्रता वाला जो भूकंप है वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आया, तो वहीं 2.8 तीव्रता का भूकंप हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में दर्ज किया गया। मनोज धीमान हमारा संवाददाता इस पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। मनोज धीमान, क्या कुछ जानकारी, जो भूकंप आया, किस समय भूकंप रहा, कितनी तीव्रता, एक बार दर्शकों को विस्तार से जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल बसंत, देखिए आज सुबह 5:17 पर जो है वो भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे कांगड़ा और चंबा दोनों ही जिलों में जो है वो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। चंबा की बात कर लेते हैं, चंबा में 3.2 की तीव्रता से जो है वो भूकंप के झटके आए थे, और कांगड़ा में अगर बात की जाए तो 2.8 की तीव्रता से जो है वो झटके महसूस किए गए। सुबह 5:17 पर ये भूकंप आया है। तकरीबन सभी लोग जो है वो अपने घरों में सोए हुए थे उस वक्त ये भूकंप आया है, और जो तीव्रता है वो ज्यादा नहीं थी। हालांकि जो है भूकंप वो कांगड़ा और जिला चंबा में रहा है, धर्मशाला इसका जो है वो केंद्र माना जा रहा है बसंत। ठीक है, धरती के कितने किलोमीटर नीचे इसका केंद्र बताया जा रहा है मनोज धीमान, और क्या कुछ नुकसान की जानकारी भी मिल पाई है क्या? बिल्कुल बसंत, देखिए अभी तक नुकसान की कोई जानकारी नहीं है क्योंकि हल्के झटके थे भूकंप के, और कोई भी नुकसान जो है भूकंप से नहीं हुआ है। हालांकि झटके जो है वो जरूर महसूस किए गए थे बसंत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज धीमान हमारे साथ जुड़ने के लिए ज्यादा बातचीत करिए। तो कांगड़ा में भूकंप के झटके महसूस किए गए, चंबा जिले में झटके महसूस किए गए। ऐसे में जो कांगड़ा में भूकंप आया उसकी रफ्तार रही 2.8, चंबा जिले में भूकंप की रफ्तार रही 3.0 के आसपास, ये 3.2 इसकी रफ्तार रही है। ऐसे में 5:17 पर भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए।